बिहार टीवी, नई सोच नई दिशा। जिला के उपाध्यक्ष हैं आरजेडी के, ठीक है, और बहुत दिन से हम लोग लगे हुए हैं और अभी जो काम चल रहा है आरजेडी का बहुत अच्छी तरीके से जो चलना चाहिए है, और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और हम लोगों को उनसे आशा है और बिहार की जनता से पूरी उम्मीद है कि इस बार तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हम लोग उनके साथ हैं और बिहार में जो विकास का काम उन्होंने छोड़ा है अपने उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, अब वही काम को लेकर के आगे बढ़ाएंगे। उनका पहली जो प्रायोरिटी उनकी है वो जॉब की है। आप लोग जानते हैं कि 17 महीना में उन्होंने जो जॉब का रोज़गार का जो काम किया है वो सराहनीय है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन उसके बाद जब नीतीश जी की बात आई जब जॉब के बारे में, तो नीतीश जी ने कहा नीतीश सरकार और बिहार में जॉब दे सकती है और नौकरी दे सकती है, नीतीश सरकार यानी नौकरी, ये उनका नारा था। तो नौकरी 15 साल से क्यों नहीं उनको याद आई, 15 साल से नौकरी उनको क्यों याद नहीं आई? जब तेजस्वी जी ने ये मुहिम छेड़ा तब उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार और रोजगार मतलब नीतीश कुमार, ऐसा नहीं है, तेजस्वी यादव मतलब रोजगार मतलब जॉब, ये है असल। और अभी जो आप देख रहे हैं विधि व्यवस्था जो है बिहार की चरमरा गई है और अभी नीतीश जी का हर जगह जो प्रशासन है एकदम बदहाली में गुजर रहा है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में देखिए क्राइम हो रहा है, कहीं देखिए लूट है, कहीं डकैती है, कहीं हत्या है, कहीं लोगों के साथ महिलाएं जो हैं पीड़ित हैं, महिलाओं के साथ जो है यहाँ दुष्कर्म हो रहा है, ये कैसे ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं हम लोग? इसलिए कि ये सिर्फ ऊपर की सरकार है जो ढके हुए है, सब चीज़ को ढके हुए है, और जो अंदरूनी क्या है वो आप ही बता सकते हैं, आप मीडिया के और आप हमारे इसके पत्रकार हैं, आप तह तक जा सकते हैं, लेकिन तह तक कोई नहीं जाता है। आज माफ़ कीजिएगा, ये पत्रकारिता की वजह कर आज ये पोजीशन हुई है। आप को अगर मालूम होना चाहिए कि अभी देखिए कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो आने वाला है इसमें खुले बोल रहे हैं अमित शाह कि इस अगले इसमें सेशन में हम इसको पारित करेंगे। क्या ये पारित करेंगे तो आज का क्या हालत होगी बिहार के या पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की? आज कहाँ जाएगा ये मुसलमान? ये वक्फ बिल को पारित करने का मतलब क्या है? ये आपका नहीं है, ये वक्फ के मतलब है कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो है ऊपर अल्लाह की होती है ये, और ये वक्फुल अल्लाह होती है मतलब लोगों के लिए दे दी गई है, दान कर दी गई है। ये किसी आदमी का अधिकार नहीं है, ना आपका अधिकार है ना मेरा अधिकार है, ये अधिकार सिर्फ यहाँ के गरीब गुरबा और पसमंदा लोगों के लिए बना है। तो इसकी समझ होनी चाहिए, इसके लिए तो ही आदमी जिम्मेदार ठहराएगा पूरा हिंदुस्तान, एक नायडू जी को और एक नीतीश जी को। अगर ये लोग अपना समर्थन वापस नहीं लेंगे ये बिल पास होगा तो आप समझ जाइए कि क्या हालत होगी उसके बाद। उसके बाद आपके घर में पूछे लोग घुसेंगे, आपके हर चीज़ पर कब्जा करेंगे, हर चीज़ पर जैसा हो रहा है 10 साल में जैसा हुआ ये 15वां साल गुजर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्रीय सरकार का। तो बस इसी यही कहना है कि बस आप लोग इस चीज़ को उजागर कीजिए, इस चीज़ को सामने लाइए, आपका ये वास्तव बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप इसको सबके सामने लेके आइए, और अगर आप चाहिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप। आज यही मीडिया और पत्रकारिता जो है जिसके वजह कर आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को इतना ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली है, इतना ज़्यादा जो ये हुआ, सिर्फ अंदर से खोखले हैं, अंदर से खोखले हैं, कुछ नहीं, सिर्फ देखने की बात है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपस में हम लोग का प्रेम भाव खत्म हो रहा, ये हम लोग के बीच में एकदम एक दूरी आ गई है, एक नफरत पैदा हो गई है। ये क्यों हो गया? पहले तो ऐसा नहीं रहते थे हम, पहले तो हम लोग सब मिलजुल के रहते थे इसी भारत में, इसी देश को हम लोगों ने के पूर्वजों ने आज़ाद कराया, सबका बराबर का ये है इसमें, लेकिन कहीं पर से ऐसा नहीं है कुछ। नाम क्या लिखते हैं?
सैयद खालिद नसीरुद्दीन उपाध्यक्ष राष्ट्र जनता दल नालंदा। हमसे जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार की ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।